तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपने डिवाइस में वाइपर फॉर एंड्रॉइड को इंस्टॉल कर रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप भी बहुत ही आसानी से अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में वाइपर फॉर एंड्रॉइड को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैजिस की जरूरत पड़ेगी, मैजिस का आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। देन दोस्तों, यहाँ पर से आपको मॉड्यूल्स पे आ जाना है। मॉड्यूल्स पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है वाइपर फॉर एंड्रॉइड। जी हाँ दोस्तों, आपको मॉड्यूल्स पे सर्च कर लेना है वाइपर फॉर एंड्रॉइड एफएक्स करके। देन दोस्तों, ये आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में। इसको दोस्तों आपको सिंपली से डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों, डायरेक्टली कर लेना है अपने डिवाइस में इंस्टॉल। इंस्टॉल कर दी दोस्तों, आपका ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर से आपको दोस्तों थोड़ा वेट कर लेना है इसके पूरे फ्लैशिंग कंप्लीट होने तक। फ्लैश कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, हमारा सक्सेसफुल ये फ्लैश हो चुका है। आपको दोस्तों अपने डिवाइस को रीबूट करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में एक लिंक दिया है, वहां पर से दोस्तों आपको एक जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जो कि है दोस्तों वाइपर फॉर एंड्रॉइड की फ्लेक्सिबल जिप फाइल। जी दोस्तों, उसको भी आपको डाउनलोड करना है, इसलिए आपको दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेना, अगर आपको इसको अपने लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे चलाना है। तो इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। देन आपको अगेन मैजिस्क पे आ जाना है। देन दोस्तों, इंस्टॉल फॉर इंटरनल स्टोरेज पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं कर देता दोस्तों वहां पर से क्लिक। देन दोस्तों, वहां पर से क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको जिप फाइल प्रोवाइड कराया है, उसको दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसको दोस्तों जैसे ही आप फ्लैश कराएंगे सक्सेसफुली, दोस्तों आपका फ्लैशिंग ये देखिए बहुत ही जल्द कंप्लीट हो चुका है। अगेन दोस्तों, आपको रीबूट करने की जरूरत नहीं है अपने एंड्रॉइड डिवाइस को। अब दोस्तों, आपका काम आ जाता है आपके वाइपर फॉर एंड्रॉइड पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से हमारा वाइपर फॉर एंड्रॉइड आपको देखने को मिल चुका है। इसको दोस्तों सिंपली से मैं कर लेता हूँ यहाँ पर से ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सुपर यूजर की परमिशन इसको ग्रैंड करा देनी है। देन दोस्तों, यहाँ पर आपको नो ड्राइवर फाउंड करके दिखा रहा है, तो इसको दोस्तों आपको फिक्स करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको ओके कर देना है। देन दोस्तों, अपने डिवाइस को आपको कर देना है रीबूट। जी हां दोस्तों, रीस्टार्ट आपको अपने डिवाइस को कर लेना है। रीस्टार्ट मैंने कर लिया दोस्तों अपने डिवाइस को, आपको भी दोस्तों रीस्टार्ट अपने डिवाइस को कर लेना है। देन दोस्तों, अगेन आपको अपने डिवाइस में वाइपर फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं नो ड्राइवर फाउंड का वो जो इशू आ रहा था वो फिक्स हो चुका है। देन दोस्तों, इसको सेटिंग्स में आपको इसकी लेगेसी मोड को इनेबल कर लेनी है। और इसके नीचे दोस्तों आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, एरर रिपोर्टिंग। ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका पहले से इनेबल रहेगा, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना। देन दोस्तों, आपको जितने भी दोस्तों वाइपर फॉर एंड्रॉइड के स्पेशल फंक्शन मिलते हैं, उन सब फंक्शन को दोस्तों आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी ड्राइवर हमारे में इंस्टॉल दिखा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी आपको दोस्तों कस्टमाइजेशन करने हैं अपने साउंड से रिलेटेड, वो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम आपको सॉन्ग सुना के भी दिखा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप किसी भी एंड्रॉइड वेज में वाइपर फॉर एंड्रॉइड को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो कैसे लगा वीडियो, नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी प्रकार के कमाल के वीडियो मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।